नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के मामलों का आंकड़ा 1,892 पहुंच गया है। इस दौरान 124 लोगों की मौत भी हुई है। सोमवार को कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए थे। इस लिहाज से कोरोना के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,71,830 हो गई है। ओमिक्रॉन के मामलों में महाराष्ट्र एक नंबर पर है, यहां ओमिक्रॉन के 568 मामले हैं, जबकि दिल्ली में 382 मामले हैं। केरल, गुजरात और तमिलनाडु में भी इसके कई मामले सामने आए हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने अकल मार रखी है वाले बयान पर सफाई दी है। मलिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बहुत अच्छे संबंध हैं। मलिक ने NDTV से बातचीत में कहा कि अमित शाह प्रधानमंत्री को बहुत मानते हैं और उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि कुछ लोग प्रधानमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, आप उनसे मिलते रहो और किसी दिन बात उनकी समझ में आ जाएगी। बता दें कि सत्यपाल मलिक का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि किसान आंदोलन के मामले में वे प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो थोड़ी देर में उनका उनसे झगड़ा हो गया। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के मुताबिक मोदी ने उनसे कहा था कि वे अमित शाह से मिल लें। मलिक के मुताबिक जब वे शाह से मिले तो उन्होंने कहा कि इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो और मिलते रहो। यूपी की कानून व्यवस्था का हाल देखना हो तो यह खबर जान लीजिए। ये छोटी सी घटना सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता को गोली मारने से संबंधित है। हुआ यह है कि कांग्रेसी नेता रीता यादव शाम को जब लखनऊ वाराणसी बाईपास से होकर पार्टी के लिए बैनर पोस्टर बनवाने जा रही थी तो लम्हुआ के पास उनकी बुलेरो गाड़ी को ओवरटेक करके रोका गया। 3-4 बदमाशों ने उनके ड्राइवर पर पिस्टल तान दी। रीता यादव ने आपत्ति की, तब भी वो नहीं माने। इस पर रीता यादव ने एक बदमाश को चाटा जड़ दिया। बौखलाए बदमाशों ने रीता यादव के पैर में गोली मार दी। बता दें, रीता यादव वही हैं जिन्होंने 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में तमाम सुरक्षा को धता बताते हुए उनको काला झंडा दिखा दिया था। पीएम मोदी कूड़े भार यानी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने आए थे। अब लोग काले झंडे और उनके साथ इस हादसे को भी जोड़ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सोमवार को बेंगलुरु के एक 21 वर्षीय इंजीनियरिंग के छात्र को बुल्लीबाई मामले में हिरासत में लिया है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब का इस्तेमाल करते हुए बुल्लीबाई ऐप बनाई गई और इस पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गईं। हिरासत में लिए गए छात्र की पहचान को ये कहते हुए उजागर नहीं किया गया है कि इससे जाँच प्रभावित हो सकती है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले में कार्रवाई की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने एक तरह से दिल्ली पुलिस पर तंज भी कसा है कि ऐसे मामले में मुंबई पुलिस से ही न्याय की उम्मीद है। मुंबई पुलिस ने 2 दिन में ही ये कार्रवाई कर दी, जबकि दिल्ली पुलिस 6 महीने पहले सुल्ली डील के मामले में ही अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। जिस बुल्लीबाई ऐप से सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया था, उसमें से एक हैदराबाद की मुस्लिम महिला एक्टिविस्ट खालिदा परवीन भी हैं। वो 67 वर्ष की उम्र दराज महिला हैं। उन्होंने हैदराबाद पुलिस में 3 जनवरी को FIR दर्ज कराई है। वो कहती हैं कि बुल्लीबाई ऐप पर मुखर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया है। द क्वींट की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, ये कोई संयोग नहीं है कि मेरा नाम नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के लिए ट्विटर पर प्रचार करने के एक दिन बाद सूची में आया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ताबड़तोड़ कई बड़े ऐलान कर आम आदमी पार्टी को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन सिद्धू के ऐलानों को लेकर जहां पार्टी के भीतर सवाल उठे हैं तो उन्हें साथ भी मिला है। सिद्धू ने सोमवार को एक चुनावी सभा में कहा कि पंजाब में हर महिला को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे और साल में 8 गैस सिलेंडर भी सरकार देगी। सिद्धू ने यह भी कहा कि कॉलेज जाने वाली लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो हर महिला को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन सिद्धू के इस ऐलान पर पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू के ये ऐलान कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा होते हैं या नहीं, ये अभी तय होना बाकी है और इससे लोग गुमराह होते हैं। वहीं दूसरी ओर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह दूलो का साथ मिला है। दूलो ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू माफिया के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शमशेर सिंह दूलो ने कहा कि सिद्धू के कहे हुए का कोई असर नहीं हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें हल्के लक्षण हैं और उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि बीते कुछ दिनों में जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वे खुद को आइसोलेट कर लें और अपना टेस्ट भी करवा लें।
बता दें कि बीते दिनों में केजरीवाल चुनावी राज्य उत्तराखंड और पंजाब का दौरा करते रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि उनके संपर्क में आए हुए कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हों। उधर दिल्ली में कोरोना वायरस अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। तिवारी ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वो 2 जनवरी की रात से ही अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। हल्का बुखार और जुकाम होने के कारण उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार में भी नहीं जा पाए और आज उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे तिवारी ने कहा कि उन्होंने एहतियात बरतते हुए अपने आप को सोमवार को ही आइसोलेट कर लिया था। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।